मटन हमारी आज की रेसिपी, आधा कप ऑयल डाला है हमने और मटन हमने डाला है छोटे छोटे पीस हमने की करके डालने हैं। इसके अंदर हमने डालना है एक अदद प्याज दरमियाने साइज में कटा हुआ, टमाटर डालेंगे दो अदद दरमियाने साइज में कटे हुए, अदरक का पेस्ट बना के एक चम्मच डालना है, लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे इसमें एक चम्मच। अब हमने इसके अंदर डालना है डेढ़ गिलास पानी का डालना है, तकरीबन आधा किलो पानी डालेंगे। चूल्हा फुल हाई कर दें। अब इसके अंदर डालना है एक चम्मच नमक, एक चम्मच रेड मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच जीरा पाउडर, सूखा धनिया एक चम्मच, आप रेसिपी के हिसाब से भी हसबे ज़रूरत भी डाल सकते हो। अब हमने इसके इसको कवर करना है। पाँच से आठ मिनट तक हमने इसको कवर करना है चूल्हा हाई करके, प्रेशर लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमने बिल्कुल दरमियाने साइज में किए हैं इसके पीस। पीस हमने आपको दिखाए हैं बिल्कुल नॉर्मल किए हैं, छोटे पीस किए हैं, इसमें प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं। अगर प्रेशर लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, हमने प्रेशर मगर मैं नहीं लगाऊंगी। ये ऐसे ही पाँच से सात मिनट तक अच्छी तरह इसने गल जाना है। इसको कवर करते हैं, चूल्हा बिल्कुल हाई करना है। दो हमने हरी मिर्च डाली है दरमियाने साइज में कटी हुई, दरमियाने साइज में। हमारी आज की रेसिपी मटन आलू मटन रेसिपी बहुत ही अमेजिंग बनने वाली है। अब हम इसको कवर करेंगे। अब हम देखेंगे माशाल्लाह सुभानअल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला भी हमारा मिक्स हो गया, ग्रेवी बन गई है। अब हम देखते हैं गोश्त को, देखते हैं अच्छा सा गल गया। माशाल्लाह सुभानअल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है, हमारा गोश्त नरम हो गया, गल गया, देखें टूट रहा है। अब हमने इसके अंदर आलू डालने हैं, आलू डाल के हमने अच्छा सा भूनना है। चूल्हा फुल हाई करके इसको भूने, दो मिनट तक भूनते रहना है। हमारी आज की रेसिपी आलू मटन कढ़ाई रेसिपी। हर कढ़ाई का अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना तरीका होता है बनाने का। अब हमने दो से तीन मिनट तक इसको भूनते रहना है। अच्छा सा हमने भून लिया, दो मिनट तक घी इसने छोड़ दिया आलू मटन कढ़ाई। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है, आधा किलो पानी है हमारा। दो से तीन मिनट तक हम फुल हाई फ्लेम रखेंगे इसका, उबलने तक, जब ये उबलेगा तब स्लो होगा। अब हम इसको कवर करते हैं। अब हमारा बन गया है, उबल रहा है अच्छी तरह पानी। अब चूल्हा नॉर्मल कर देंगे, पाँच मिनट तक इसको पकने दें, आलू जो हमारे कच्चे हैं वो अच्छी तरह बन जाएंगे और घी छोड़ देगा। अब हम इसके साथ रोटी तैयार करेंगे। हमारी रेसिपी तैयार हो गई आलू मटन रेसिपी, हमारे आलू भी अच्छी तरह गल गए हैं, बन गए हैं। और चूल्हा स्लो नॉर्मल रखना है, घी अच्छी तरह छोड़ देगा। अब हमने इसके अंदर डालना है
एक चम्मच जीरा पीसा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच खुशबू के लिए कसूरी मेथी। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक दो अद हरी मिर्च, सब्ज़ धनिया, हमारी बहुत ही अच्छी बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आलू मटन रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत टेस्टी। आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरा चैनल देखने वाले वर्ल्ड ब्यूटीफुल वीडियो MNC और मेरा लिंक ज़रूर शेयर करें। मेरा आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने बड़ों को अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर बना के दें और उनसे दवाएँ लें। अब हमने रोटी तैयार करनी है दरमियाने साइज़ का, हमने पेड़ा बनाना है। जितना हमारा पेड़ा गोल होगा उतनी हमारी रोटी की शेप बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही गोल बनेगी। आलू मटन की रेसिपी उसके साथ हम रोटी तैयार करेंगे। हमने अच्छी तरह इसको बेल लेना है, उंगलियों की मदद से इसके किनारे दबाएंगे तो ज़रा भी कहीं से मोटे नहीं होंगे। अब हम बेलने की मदद से इसको बड़ा करेंगे। बहुत ही अच्छी शेप बनेगी हमारी रोटी की। तो वह हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है, ब्राउन होने तक इंतज़ार करें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर बन रहा है, जितना ब्राउन कलर होगा उतनी अच्छी बनेगी। देखते रहना इसकी साइडें चेंज करते जाना, जले ना कहीं से भी रोटी, जलेगी तो कड़वी बन जाएगी। चूल्हा फुल हाई करके हमने इसको अब चूल्हे के ऊपर करना है। बहुत ही अच्छी बन रही है हमारी रोटी। एक घंटा हम रोटी पकाने से पहले आटा गूंदेंगे तो बहुत ही अच्छी फूल जाएगी, जितनी फूली होगी उतनी अच्छी बनेगी। हमारी रोटी तैयार हो गई है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारी रोटी तैयार हो गई है। आप भी ज़रूर बना कर ट्राई कीजिए। मेरा चैनल देखने वाले वर्ल्ड ब्यूटीफुल वीडियो MNC। अब हम दूसरी रोटी तैयार करेंगे, उंगलियों की मदद से बेल लेंगे। आटा ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए तभी रोटी की शेप अच्छी नहीं बनेगी। बेलने की मदद से बेल लेंगे। माशाल्लाह आप भी देख सकते हो हमारा पेड़ा बहुत ही गोल शेप में बना था और रोटी की भी बहुत ही अच्छी शेप बन रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ही अच्छा कलर बन रहा है हमारी रोटी का। आलू मटन कढ़ाई आप इसके साथ नान भी यूज़ कर सकते हो, मेरी रोटी भी इसी कर सकते हो इस्तेमाल, और घर की रोटी की तो क्या ही बात है। साइड चेंज करते जाना, रोटी जलने मत देना। चूल्हा फुल हाई रखना है।
तवे के ऊपर दबाओगे रोटी को तो ये कभी भी फूलेगी नहीं। ऐसे माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बन जाती है। हमारी रेसिपी आज की तैयार हो गई है। आलू मटन और उसके साथ हमने रोटी तैयार की है। आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बड़ों को बना के दें और दवाएं लें। हमारी आज की रेसिपी तैयार हो गई है, आलू मटन रेसिपी। आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरा चैनल देखने वाले वर्ल्ड ब्यूटीफुल वीडियो MHC, अपने बड़ों को बना के दे, दवाएं ले साथ में, अपने बच्चों को बना के दे। जिसको नहीं पसंद इंशाल्लाह वो भी खाएगा, ज़रूर खाएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।